गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। उधर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, उसका भी वीडियो साथ साथ बनाएंगे। इधर हम 12 का सिलेबस शुरू किए हैं। 12 के सिलेबस के तौर में सबसे पहला लेक्चर डिटर्मिनांट को हम लोग देखे हैं। सबसे पहला चैप्टर डिटर्मिनांट को पढ़ेंगे। डिटर्मिनांट पर ऑलरेडी 3 वीडियो बनाया जा चुका है, ये डिटर्मिनांट का चौथा वीडियो है। अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाकर डिटर्मिनांट का और दूसरे वीडियो देख लीजिए। डिटर्मिनांट का पूरा बेसिक बता चुके हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं प्रॉब्लम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का। इसमें 5 सवाल तक बता चुके थे, 5 नंबर तक। सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग शुरुआत करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। लेकिन इसके पहले अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, आज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को 1x1 प्रॉब्लम बनाएंगे A to Z डिटेल सॉल्यूशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है प्रूव दैट डिटर्मिनांट का वैल्यू 0। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मान लेते हैं कि जो डिटर्मिनांट है वो है डेल्टा। तो लेट डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 ए माइनस बी, माइनस ए 0 माइनस सी, बी सी 0। ये डिटर्मिनांट है। हमको वैल्यू इसको साबित करना है कि ये 0 के बराबर होगा। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं क्या, R1 में -1 से गुना कर देते हैं और R2 में भी -1 से गुना कर देते हैं और R3 में भी -1 से गुना कर देते हैं। तो ये डिटर्मिनांट हमको क्या मिल जाएगा, देखिए 0 माइनस ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए 0 प्लस सी माइनस बी माइनस सी और 0। अब इसको देखिए क्या करते हैं, रो को इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम से। तो आपको प्रॉपर्टी हम पहले बता चुके हैं कि अगर किसी डिटर्मिनांट में रो वाले एलिमेंट को अगर कॉलम में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनांट का वैल्यू वही रह जाता है, यानी कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 0 ए माइनस बी, ये हो जाएगा, देखिए 0 ए माइनस बी R1 में था, नहीं जो C1 में था उसको हम लोग R1 में कर दिया, या जो R1 में था उसको C1 में कर देंगे, एक ही बात हो जाएगा। फिर देखिए A 0 C या 0 A माइनस B जो C1 में था उसको हमने R1 में कर दिया, जो C2 में है उसको हम R2 में कर देते हैं, माइनस A 0 माइनस C, ये हो जाएगा B C 0। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने 3 बार माइनस से गुना किया था तो बाहर में भी माइनस से हमको गुना करना पड़ेगा, यानी माइनस से भाग देना पड़ेगा। ऑपरेशन में यही होता है, जब आप 2 से गुना करते हैं तो 2 से भाग भी देते हैं। तो 3 बार माइनस से गुना किया था इसलिए 3 बार माइनस से भाग भी दे दिया, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी ये माइनस हो गया। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू हो गया ये माइनस, और देखिए ये फिर से ये जो ओरिजिनल डेल्टा हम माने थे वही आ गया, यानी डेल्टा इज इक्वल्स टू हो गया माइनस डेल्टा, यानी डेल्टा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, यानी 2 डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, यानी डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, बेहतरीन प्रॉब्लम है, इसको बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में इसको उतार लीजिए। अब हम आपको बताते हैं इसी सवाल को कॉम्पिटिटिव फॉर्म, ये जो सवाल है एक्चुअली इसके रिजल्ट को याद रखना चाहिए। एनसीईआरटी के सवाल को कंपटीशन बहुत आसान से फॉलो करता है, एनडीए वगैरह डायरेक्ट फॉलो करता है, आजकल जेई मेंस भी फॉलो करता है। देखिए जो अभी आप डिटर्मिनांट देखे 0 ए माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, जरा इसको ऑब्जर्व कीजिए, इसको ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें डायगोनल का एलिमेंट 0 है और डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट है वही एलिमेंट नीचे भी है,
लेकिन साइन सबका ओपोजिट है, यहाँ ए है तो ये माइनस ए है, यहाँ माइनस बी है तो ये प्लस बी है, समझ रहे हैं बात को। तो ऐसे डिटर्मिनांट को कहते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनांट, और इनका वैल्यू ऑलवेज जीरो होता है। अस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनांट, इनका वैल्यू हमेशा जीरो होता है, ये बात ट्रिक्स के रूप में याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए 0, 5, -6, -5, 0, 8, 6, -8, 0, आप इस डिटर्मिनांट को सोल्व कीजिएगा, इसका आंसर जीरो मिलेगा। इसको बोलते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनांट। अस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनांट का वैल्यू होता है जीरो। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। जो जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट मिलेगा एनसीईआरटी से, हम आपको बताते चलेंगे, ये भी बताते चलेंगे कि यहाँ से कौन सा सवाल कब पूछा गया है। चलिए सातवां नंबर सवाल बनाते हैं। सातवां नंबर सवाल है, प्रूव करना है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, साबित करना है 4 times ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलिए साबित करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड अपने से एक बार पहले इसको उतार लीजिएगा। हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं कॉमन, एग्जाम में कैसे लिखना है ये भी ध्यान देना है, कॉमन ले लेते हैं। क्या भाई, तो आर वन से कॉमन लेते हैं ए, आर टू से कॉमन ले रहे हैं बी, और आर थ्री से कॉमन ले रहे हैं सी, आर थ्री से कॉमन ले रहे हैं सी। अब देखिए जब कॉमन ले लीजिएगा आर वन से ए, तो देखिए ए कॉमन बी कॉमन सी कॉमन, तो ए बी सी बाहर आपका आ गया। तो अब डिटर्मिनेंट क्या बच गया, यहाँ बच गया माइनस ए बी और सी, यहाँ क्या बच जाएगा ए माइनस बी सी, यहाँ क्या बच जाएगा ए, यहाँ क्या बचेगा बी, यहाँ क्या बचेगा माइनस सी। अब आप पुनः एक बार और कॉमन ले लीजिए, अब की बार कॉमन ले लीजिए कॉलम से, यानी सी वन से ले लीजिए ए, सी टू से ले लीजिए बी, और सी थ्री से ले लीजिए सी। तो ए बी सी कॉमन पहले था, ए बी सी कॉमन बाद में लिया, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तब ये बच गया माइनस वन 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 माइनस वन 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 माइनस वन। अब देखिए इसमें क्या कीजिए कि आर वन में आर टू को आप ऐड कर दीजिए। ऐसा क्यों करते हैं, तो डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का तरीका होता है कि किसी एक रो में या एक कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लाया जाए, तो टू गेट मैक्सिमम जीरो वी यूज द ऑपरेशन। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए माइनस वन प्लस वन यानी जीरो, ये आर वन है ये आर टू है, आर वन में आर टू को आप जोड़ रहे हैं तो ये भी हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा टू, बाकी ये दोनों सेम रह गया, वन माइनस वन 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 माइनस वन। तो अब इस आर वन से हम एक्सपेंड कर देते हैं, यहाँ लिखना चाहिए एक्सपेंडिंग एलोंग आर वन। देखिए हर चीज़ हम लिख दे रहे हैं, इसी प्रकार से बोर्ड में बनाना है एक्सपेंडिंग एलोंग आर वन। सीबीएसई बोर्ड में तो स्टेप मार्किंग होता है, बहुत ज़रूरी लिखना होता है। तो देखिए ये हो गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इस टू को ले रहे हैं तो टू वाले रो और कॉलम को छोड़ देते हैं। तो अब बच गया ये देखिए वन इंटू वन, बीच में माइनस, वन इंटू माइनस वन यानी माइनस वन, तो वन और प्लस वन हो गया टू, टू टू जा फोर, तो ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यही आपको साबित करना था, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। देखिए आपको यही साबित करना था सवाल में, उम्मीद है कि आप अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए सवाल और देखते हैं, वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरा देखिएगा अंत अंत तक, हम एक एक सवाल को बनाएंगे, एक एक सवाल एनसीईआरटी का, इसके बाद और भी ढेर सारा सवाल बनाएंगे, एक एक सवाल एक एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे जीरो से लेकर करके ऊपर लेवल तक। चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं, 8 का पहला है, प्रूव करना है एक डिटर्मिनेंट 1a a² 1b b² 1c c² इसका बराबर है a माइनस b माइनस c c माइनस ए, ये आपको साबित करना है।
तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में है आपका वन ए ए स्क्वायर, वन बी बी स्क्वायर, वन सी सी स्क्वायर। यहाँ से आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आपको मिले। ज़्यादा से ज़्यादा जीरो कैसे मिलेगा भाई, तो देखिए आप आर वन में आर टू को घटा दीजिए और आर टू में आर थ्री को घटा दीजिए। आर वन में आर टू को घटाइए कैसे भाई, देखिए आर वन में आर टू को घटा देते हैं और आर टू में आर थ्री को घटा देते हैं, तो देखिए क्या मिल जाएगा। देखिए आर वन हो गया वन ए ए स्क्वायर और यहाँ है वन बी बी स्क्वायर, तो वन में वन घटाएंगे तो क्या मिलेगा जीरो, ए में बी घटाएंगे तो क्या मिलेगा ए माइनस बी, यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा यहाँ देखिए जीरो, यहाँ होगा बी माइनस सी, यहाँ क्या होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ क्या होगा वन सी सी स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को, ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब देखिए इसको फैक्टोराइज कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ क्या लिख सकते हैं बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। मतलब ये हुआ कि आर वन में देखिए जीरो ए माइनस बी और यहाँ भी ए माइनस बी है, यही आपको सोचना है। तो ए माइनस बी तो कॉमन आ गया, यानी अब हम ले रहे हैं कॉमन, लिखेंगे टेकिंग कॉमन। कॉमन क्या लिख रहे हैं ले रहे हैं भाई, तो इसको भी लिखना होगा। आर वन से कॉमन ले रहे हैं ए माइनस बी और आर टू से कॉमन ले रहे हैं बी माइनस सी, तो कॉमन बाहर आ जाएगा डिटर्मिनेंट का, तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब हमारा डिटर्मिनेंट हो जाएगा जीरो वन और यहाँ देखिए क्या बचेगा ए प्लस बी, जीरो वन, यहाँ बचेगा बी प्लस सी, नीचे बचेगा वन सी सी स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को, अब ये हो जाएगा आपको ए माइनस बी बी माइनस सी। अब हमारे पास जो है ये यहाँ पर देखिए जीरो था, अब हम एक्सपेंड कर देते हैं सी वन से, तो सी वन से एक्सपेंड कर देंगे तो ये वन ले लेंगे, तो वन का साइन हो गया पॉजिटिव, वन का साइन पॉजिटिव और वन वाले रो और कॉलम कट जाएंगे, तो क्या बचेगा वन इंटू बी प्लस सी में से घटाएंगे ए प्लस बी, तो ये बी और बी कट गया, तो बच गया आपका ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, यही आपका राइट हैंड साइड था। ये साबित हो गया आपको ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, ये देखिए साबित हो गया। ये है एनसीईआरटी का प्रॉब्लम, इसको कंपटीशन बहुत ज़्यादा यूज किया है। कंपटीशन में इसको क्या यूज करेंगे, कंपटीशन में इसको यूज करते हैं एज ए ट्रिक्स। ऐसे डिटर्मिनेंट को कहते हैं सर्कुलर डिटर्मिनेंट। देखिए वन ए ए स्क्वायर, वन बी बी स्क्वायर, वन सी सी स्क्वायर, तो इसका वैल्यू याद रखना चाहिए ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। जैसे मान लीजिए सवाल रह जाए वन थ्री नाइन, वन फोर सिक्सटीन, वन फाइव ट्वेंटी फाइव, देखिए वन ए ए स्क्वायर, वन बी बी स्क्वायर, वन सी सी स्क्वायर, तो जाएगा ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए, यानी आंसर हो गया टू। सेकेंडों में बन सकता है, इस ट्रिक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। चलिए इस पर हम लोग और सवाल बनाएंगे अपने घर में, हम लोग देखते हैं और उसका सवाल, अगला सवाल, सवाल नंबर होगा एट का टू। एट का टू नंबर सवाल क्या है ज़रा ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या भाई एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन देख रहे हैं, थ्योरी पूरा पढ़ चुके हैं, अगर दिक्कत है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देखिए। आठ का दूसरा नंबर सवाल क्या है, आठ का दूसरा है प्रूव करना है वन ए ए क्यूब, वन बी बी क्यूब, वन सी सी क्यूब बराबर साबित करना है ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये भी सवाल सर्कुलर डिटर्मिनेंट का है, इसका भी सॉल्यूशन याद रखना चाहिए, सॉल्यूशन यानी इसका रिजल्ट जो है।
ताकि ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकें। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है वन वन वन, ए बी सी, ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब। यहाँ भी हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हमको प्राप्त हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लाने के लिए हम सी वन में सी टू को घटाते हैं और सी टू में सी थ्री को घटाते हैं। तो देखिए हो जाएगा वन माइनस वन जीरो, ये हो जाएगा ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू को हम क्या लिखते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर देखिए वन माइनस वन जीरो, बी माइनस सी, फिर ये हो जाएगा बी क्यू माइनस सी क्यू को लिखेंगे बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे वन सी सी क्यू। अब आप देखिए कि कॉलम वन में कॉमन आ रहा है ए माइनस बी, जीरो में सब रहता है, कॉलम टू में कॉमन है बी माइनस सी, यानी अब हम ले रहे हैं कॉमन, कहाँ से ले रहे हैं सी वन से, क्या ले रहे हैं ए माइनस बी, सी टू से क्या ले रहे हैं बी माइनस सी। तो हम ए माइनस बी और बी माइनस सी कॉमन ले लिया, तो ए माइनस बी सी वन से कॉमन था तो बच गया जीरो वन, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा सी टू से, जीरो वन बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और ये वन सी सी क्यूब आपका ऐसे ही रह गया। अब देखिए इसको एक्सपेंड कर देते हैं, दो गो जीरो आ चुका है, यहाँ से एक्सपेंड कर देते हैं तो हमारा ये रो और ये कॉलम समाप्त हो जाएगा। तो क्या बचेगा ज़रा ध्यान दीजिए, हम लोग को बचेगा ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब ये हो जाएगा, देखिए इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया, तो प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब इसमें देखिए हम लोगों को मिला हुआ है कितना टर्म, एक दो तीन चार पाँच छः, छः टर्म है। इस छः टर्म में से कुछ और निकाल लीजिए, हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको भी आप तोड़ सकते हैं सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए में, इस प्रकार से बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये बी स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको चार ही टर्म बचा। चार टर्म में क्या कीजिए कि देखिए ये बी सी और ए बी है, इसमें बी आप कॉमन ले लीजिए, तो जब बी कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा सी माइनस ए, और ये जो है देखिए ये बी ब्रैकेट में चल रहा है, ये जो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इसको आप तोड़ दीजिए फैक्टोराइजेशन से, तो इसको आप लिख सकते हैं सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। समझिएगा बढ़िया से, यहीं पर गड़बड़ाइएगा। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब देखिए पूरे में जो होल सी माइनस ए कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा बी, यहाँ क्या बचा ए प्लस सी। अब इसको आप बढ़िया से स्थिर से लिख लीजिए, ये हो गया ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। यही आपको लाना था, यही राइट हैंड साइड है, आप देख लीजिए सवाल को, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इसको कहते हैं सर्कुलर डिटर्मिनेंट। जैसे मान लीजिए रहता सवाल आपको वन वन वन, वन टू एट और वन थ्री ट्वेंटी सेवन, तो हो गया वन ए ए क्यूब, वन बी बी क्यूब, वन सी सी क्यूब, तो आंसर हो जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यानी वन प्लस टू प्लस थ्री यानी सिक्स, तो आंसर हो जाएगा ट्वेल्व। इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करता है कंपटीशन में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन, ट्वेल्व के सिलेबस का चैप्टर है डिटरमिनेंट। चलिए और आगे चलते हैं हम लोग, सवाल नंबर
9 की ओर चलते हैं। मेरे ख्याल से ये सेम सवाल है, आपको अपने से कर लेना चाहिए। x, x स्क्वायर, वाई जेड, ये हो गया वाई, वाई स्क्वायर, जेड एक्स, ये है जेड, जेड स्क्वायर, एक्स वाई इज इक्वल्स टू, साबित करना है आपको, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये एक सवाल है, इसको हम लोग देखिए बनाते हैं क्या मिलता है आंसर। देखिए यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी जाएगा, कोई बात नहीं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए पहले आप क्या कीजिए, आप पहले R1 में R2 घटा दीजिए और फिर R2 में R3 घटा दीजिए। देखिए R1 को R1 माइनस R2 कर दीजिए, फिर R2 को चेंज कीजिए R2 माइनस R3, तब आपको क्या मिल जाएगा, देखिए x माइनस वाई, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और देखिए ये वाई जेड माइनस जेड एक्स है, तो जेड कॉमन ले लेंगे तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस जेड कॉमन ले लीजिएगा तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। फिर देखिए आर टू में आर थ्री घटा रहे हैं तो ये वाई माइनस जेड हो गया, ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यानी वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड। और यहाँ एक्स कॉमन लीजिएगा तो जेड माइनस वाई, माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए तो वाई माइनस जेड हो जाएगा, और तीसरा को छोड़ दीजिए जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब देखिए आर वन में कॉमन हो गया एक्स माइनस वाई, अब आप सीख चुके हैं इसलिए नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट कॉमन निकाल लेते हैं। आर टू से कॉमन आ गया वाई माइनस जेड, तो अब आर वन क्या हो जाएगा, देखिए वन, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा माइनस जेड, ये हो जाएगा वन वाई प्लस जेड, और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई। समझ में आ रही है बात, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड आ गया। अब क्या कीजिए, आर टू में से आर वन को घटा दीजिए, एक जीरो आ जाएगा, बाद में फिर सोचेंगे। आर टू में से आर वन को घटा दीजिए तो आर टू माइनस आर वन कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ये वन, ये एक्स प्लस वाई, ये माइनस जेड, फिर वन माइनस वन जीरो, देखिए वाई से वाई कट जाएगा, ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस जेड, यानी जेड माइनस एक्स, और इसको रहने दीजिए जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई। हमेशा ध्यान देना है कि हमको साबित क्या करना है, तो देखिए साबित करना था एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और तीसरा फैक्टर था देखिए जेड माइनस एक्स, तो जेड माइनस एक्स देखिए हमको अब कॉमन आ गया आर टू से, तो आर टू से जो कॉमन आ गया, अभी हमको तीसरा फैक्टर मिल गया, आर टू से कॉमन ले लिया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और R2 से कॉमन ले लिया जेड माइनस एक्स, तो अब क्या बच गया, देखिए वन एक्स प्लस वाई, और ये हो गया माइनस जेड, ये हो गया जीरो, ये हो गया वन, ये हो गया वन, अभी बच गया जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब देखिए हमको एक जीरो और बढ़ा लेना है, देखिए यहाँ पर जीरो आ सकता है, यदि हम C2 में C3 को घटा दें तो एक जीरो हमको और आ सकता है, एक जीरो और आ सकता है, तो C2 में हम C3 को घटा देते हैं, C2 में C3 को घटा देते हैं, ध्यान दीजिए C2 में C3 को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास फैक्टर क्या था, फैक्टर था x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स। डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, C1 जो हमारा था वही रख देते हैं, वन जीरो जेड, और C2 में C3 को घटाएंगे तो x प्लस वाई में जेड को घटाएंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, फिर वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और इधर रह जाएगा आपका माइनस जेड वन और एक्स वाई। अब ये आपका हो गया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स। अब यहाँ से एक्सपेंड कर देते हैं इस वन से, तो इस वन का साइन हो जाएगा निगेटिव,
तो देखिए क्या हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगा, तो ऐसे बचेगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई माइनस, देखिए एक्स गुना जेड माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू जेड यानी जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर कट गया। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए और ये माइनस मिल करके हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये बच गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही आपका राइट हैंड साइड था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आज इतने ही सवाल रहने देते हैं, अगले लेक्चर में या अगले वीडियो में सवाल नंबर 10 से शुरू करेंगे, ए टू जेड सवाल बनाएंगे। प्लीज़ और दोस्तों को जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, व्यू भी बढ़ रहा है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।